अस्सलाम वालेकुम। तो आप देखो, मेरे बेटा के लिए मैंने पानी का गर्म कर दिया। सर्दी हो गई है उसको बहुत, तो दो दिन से काम पे बाहर जा रहा था काम से, तो ठंडी हवा में फिर आए तो उसको ठंडी हो गई। तो मैंने पानी गर्म करा है, ये सर्दी खांसी के लिए स्पेशल नुस्खा। तो मैंने गर्म पानी कर दिया, अब इसमें मैं नाखून भी थोड़ा सा, तो ये है देखो नमक, इतना सा नमक डाल दिया अच्छा सा। ना जी, मैं बना रही हूँ चाय नाश्ता मेरा, ये बन रही है मेरा चाय। और आज मैं नाश्ते में डोसे बना रही हूँ। डोसे आज हम चाय नाश्ता डोसे का करेंगे। ये खराब हो गए मेरी दीवार, हाँ ये देख लो, मैं कायम उसको ढाक ढाक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह सिफा दे पानी में। तो ये मैंने भर लिया है, अब इससे मैं मेरे बेटे को कुल्ले कराती हूँ। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ? तो आज भी मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये मैं हाजिर हूँ। ये देखो, ये मेरे पास क्या है, यह है नीलगिरी का तेल। आप सबको पता होगा कि यह नीलगिरी का तेल है। यह है नीलगिरी का तेल जो मैं हज पढ़ने गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ नीलगिरी का तेल। इससे आज की वीडियो मेरे ताहा के लिए स्पेशल है। मेरे ताहा को बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और मेरे ताहा के पास में नीलगिरी का तेल है, इसकी मम्मा के पास। तो मैं इसके लिए बना रही हूँ ताकि मेरी बेटी को रिमाइंड हो जाए कि उसके पास नीलगिरी अवेलेबल है। तो नीलगिरी का इस्तेमाल करके मेरे ताहा को जल्दी जल्दी अच्छा कर सकती है। तो ताहा तो नीलगिरी के तेल से अच्छा हो जाता है। मेरे बच्चे को भी पता है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे बच्चे भी भूल जाते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलो, मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम ईजी है। अगर एक बार आप इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद इसका रिजल्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरे ताहा के पास में ऐसी बोतल हैगी, मैंने इसी बोतल में हज पढ़ने गई थी तो मेरे ताहा के लिए मैंने ऐसे एक डजन बोतल ले आई थी जो मैंने सबको दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये बहुत अक्सीन बोतल है, इसमें यानी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है। दो बूंद लगाते तो दो बूंद ही काफ़ी है इसमें लगा, इसके लगाने से। तो मैंने कहाँ रखी, तो ये देखो, ये भी मेरे पास ये नीलगिरी का तेल है जो मैंने इसकी ऐसे इसमें आती है जो मैंने अभी तक इसको आधी यूज़ करना की है। देखो दिख रहे, ये आधी यूज़ हो चुकी है। तो ये आधी यूज़ मैंने मेरे हाजी साहब खुद पे लगा के कर डाली, कि हाजी साहब बाहर रहते हैं ज़्यादा करके, तो उनको जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, उनकी तबीयत पे जल्दी असर होता हैगा। तो उनको भी मैं किस तरह से लगाती हूँ, लगाने के तरीका एकदम सिंपल एकदम आसान है। तो चलो मैं बताती हूँ। देखो ये है मेरे पास रुमाल है, तो क्या करना है, रुमाल के अंदर इस तरह से दो से चार बूंद इसमें गिरा लेनी है। और ये समझो बेबी है, तो बेबी को ऊपर दूर से नीलगिरी की स्मेल देनी है, नीलगिरी की खुशबू दूर से देनी है। फिर हाथ हटा देना है, थोड़ी देर खुशबू देनी है, हाथ हटा देना है, थोड़ी देर खुशबू देनी है, हाथ हटा देना है। ऐसा 2 से 5 मिनट तक करना है। ये ऐसा करे बाद में अगर फिर क्या करना है, तो ये बेबी की ये जो रुमाल है वो तेल वाला, इधर पे तेल अपनों ने लगाया है तो इधर तेल है, तो उसको कर देना है इस तरह से रुमाल को बंद। जो तेल वाला भाग है उसको मैंने ऐसे अंदर पोल कर दबा दी, ऐसा प्रेस कर दिया बराबर। इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। और ये बेबी की छाती, ये समझो बेबी है, तो बेबी की छाती है तो उसके छाती के ऊपर रख देना है। और उसके ऊपर उसकी टी शर्ट उड़ा देनी है और उसके ऊपर उसको ब्लैंकेट उड़ा के सुला देना है। तो इससे भी आपका बेबी एकदम जल्दी आपके बेबी की सर्दी खांसी ऐसे ऐसे जल्दी अच्छी होती है।
ये सही है, बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं खुद मेरे बच्चों के ऊपर ये मैंने कर चुकी हूँ। इससे मेरे बच्चे जल्दी जल्दी अच्छे हो जाते हैंगे। और इसमें अल्लाह ने शिफा भी रखी हुई है, नीलगिरी के अंदर बहुत ज़्यादा शिफा है। अगर बेबी का कान दुख रहा है, रो रहा है बेबी कान के दुखने के लिए, तो नीलगिरी क्या करनी है कि सपोर्ट किया अपना कान है तो इस तरह से यूँ लेनी है, और कान के आजू बाजू, आजू बाजू कान के अंदर नहीं डालनी है, कान के आजू बाजू थोड़ा सा लगा देना है, तो आपका कान का दुखावा भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। किसी का सर दुख रहा आएगा, अभी ठंडी की सीजन है, कान दुखेगा सर दुखेगा, तो सर दुखने में भी ये काम आता है। सर दुखता है तो सर पे भी आँखों के आसपास नहीं लगाना है, सिर्फ सर के ऊपर ऊपर लगाना है। आँखों के आजू बाजू बिल्कुल ये नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्योर आता है तो इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उसका एक के दो बूंद लेनी है और इस तरह से लगाना है, कितने एक के दो ड्रॉप्स लेके सर पे लगा देना है, तो इससे सर भी आपका दुखता होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर से अच्छा होगा। और कान दुखता होगा तो कान के आजू बाजू भी लगाओ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, नहीं आप खुद खुद इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये नीलगिरी के तेल के तो बहुत सारे बेनिफिट है, तो इंशाल्लाह कभी फुर्सत में मिली तो इंशाल्लाह इसके बेनिफिट और ज़्यादा है वो भी बताऊँगी। और हाँ, मैं इतनी सब मेहनत करती हूँ, मैं इतना पक 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 करती हूँ, प्लीज़ एक लाइक तो बनती है, एक लाइक तो बनती है।